अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, आपको अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा खुश आमदीद करता हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि ऑब्वियसली आपको कोई ट्रैवलिंग स्पॉट नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई आपको पिकनिक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस प्लेलिस्ट और इस वीडियो का मकसद उन लोगों की गाइडेंस है जो यूएई में आना चाह रहे हैं और जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली दुबई में। और क्योंकि मैं भी दुबई में विजिट वीज़ा पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 1.5 मंथ्स में एक नहीं दो जॉब हासिल की, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आपकी जॉब सर्च में और आपको आसानियां दे सकती हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से जॉब हासिल कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा, उन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी जॉब सर्च को इन्हांस कर सकते हैं, आप मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स को रीच आउट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपकी सक्सेस के जॉब हंट के सिलसिले में दुबई में जो लोग भी विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करूँगा कि कौन सा ऐसा सीज़न है जिसमें दुबई में आना चाहिए। सो दुबई में आने के लिए कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिस मंथ्स में हायरिंग ज़्यादा तेज़ हुई भी होती है। वैसे तो दुबई में की मार्केट इतनी कम्पेटिटिव है कि अगर आप में टैलेंट और स्किल है और आपको इस बात का फेयर आइडिया है कि कैसे आपने अपनी रिज्यूमे बनानी है और कैसे आपने एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करना है, तो आप किसी भी मंथ में यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जिसमें वेदर की कंडीशन भी अच्छी होती हैं और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो हायरिंग भी ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मंथ्स में ऑब्वियसली अभी जो मंथ चल रहा है जून का, इसमें एक्सेसिव हीट है दुबई में। आप लोगों को न्यूज़ के थ्रू अंदाज़ा भी हुआ होगा कि दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं ताकि कम से कम लोग इस धूप में एक्सपोज हो सकें और इस हीट से बच सकें। सो करंटली दो मेजर्स दुबई गवर्नमेंट ने लिए हैं। एक तो ये कि फ्राइडे प्रेयर को उन्होंने कहा है कि शॉर्ट से शॉर्ट करें, लाइक 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में खुतबे समेत लाइक पूरी जो नमाज है उसको ख़त्म करें। और सेकंड थिंग इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा है कि जितने भी लेबर क्लास जो वर्क कर रही है फ्रॉम 1 PM टू 3 PM उनके ड्यूटी आवर्स में रिलैक्सेशन है और 1 से 3 तक उनकी ब्रेक होगी और वो धूप में एक्सपोज आउट नहीं होंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात वेदर की। इस बात को करने का मकसद ये है कि इस मौसम में अगर आप आएंगे लाइक मई से लेके अक्टूबर तक, ये पीक सीज़न होता है गर्मी का दुबई में और इसमें एक्सेसिव हीट होती है। तो अगर तो आप आना चाह रहे हैं आप आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जॉब हंट के लिए अगर कोई बंदा डोर टू डोर जाके सीवी कंपनी टू कंपनी ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो इस सीज़न में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ इन सीज़न में कंपनीज इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं करती। अक्टूबर के बाद स्टार्ट हायरिंग जो है वो उसका पेस थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और दिसंबर से लेके मार्च तक ये वो सीज़न है जिसमें आप का पीक सीज़न चल रहा होता है और इसमें आप जॉब सर्च के लिए थोड़ा सा आपको आसानी इसलिए होगी कि इस मौसम में आप ईजीली जॉब सर्च कर सकते हैं और हीट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। अक्टूबर से यहाँ पर मौसम चेंज होना शुरू होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक रहता है, ठीक है। तो आप अपने जहन में ये रखें कि अक्टूबर से लेके मार्च या अप्रैल ये आपने सीजन रखना है अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं और जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। नंबर सेकंड थिंग इज वीज़ा रिक्वायरमेंट। वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से वीज़ाज हैं जिसमें आप दुबई आ सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा पे आप इस तरीके से आ सकते हैं कि 2 मंथ्स का विजिट वीज़ा अभी फ़िलहाल जो है वो यूएई गवर्नमेंट आपको इशू कर रही है, तो 2 मंथ्स के वीज़ा पे आप आएँ और ऑब्वियसली 2 मंथ्स का वीज़ा आप अपने पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आप 2 मंथ्स का वीज़ा लें और यहाँ पे आएँ और अपनी जॉब सर्च करें। अब 2 मंथ्स की वीज़ा की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो कि करंटली उन्होंने अभी अनाउंस की हैं, जिसमें आपके पास यूएई का रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है। एक यानी कि आपके आने का और एक जाने का रिटर्न टिकट आपके पास एडवांस में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 3000 दिरहम आपकी पॉकेट में होने चाहिए टू सस्टेन
लिव हियर इन यूएई फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि आपके पास कोई वैलिड कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिसके पास आप यूएई में स्टे करेंगे, या तो फिर आपके पास होटल टिकट होना चाहिए। अब ये फ्रेश रिक्वायरमेंट्स हैं, जब मैं आया था तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं भी अपने साथ 4000 दिरहम लेके आया था ताकि मुझे किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि एयरपोर्ट पे कभी भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझसे भी हुआ था कि आप किसके पास जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो आपने एयरपोर्ट पे ये कहना है कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों के पास या मैं अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूँ, और कोशिश करें कि एक दो नंबर आप अपने पास रखें जिनसे आप इमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्टेक्ट करवा सकें, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, वीजा की कॉस्ट क्या है? वीजा की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के वीजा की 60,000 कॉस्ट है, और मोस्टली जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं वो आपसे एक एडवांस चेक भी रखते हैं ताकि उनको ये सिक्योरिटी हो जाए कि आप वापस आएंगे, बिकॉज अगर आप एक दिन भी ओवर स्टे होते हैं तो आप पे फाइन पड़ता है। और करंटली जो रेगुलेशन आई है, जो न्यूज़ आई है, वो ये है कि अगर आप 5 डेज से ज़्यादा ओवर स्टे होते हैं दुबई में, तो फिर आपके साथ ये होगा कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा और कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा यूए में एंट्री के लिए। तो इस बात का बहुत अच्छे से आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका 60 डेज का वीजा है तो आपने 60 डेज के अंदर अंदर ही ट्रेवल बैक करना है। अगर अल्लाह ना करे आपको जॉब नहीं मिलती, फर्स्ट तो आपने ये ट्राई करना है कि आपको जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो आपने ओवर स्टे किसी सूरत भी नहीं करना, आपने 2-3 दिन पहले अपने ट्रैवल एजेंट से कहना है कि या तो मेरा विजिट वीजा एक्सटेंड करें या आपने अपनी कंट्री वापस चले जाना। ओवर स्टे की सिचुएशन में आप फिर सारी जिंदगी के लिए यूएई में एंट्री पे बैन हो सकते हैं। ओके, थर्ड थिंग इज डिग्री अटेस्टेशन। सबसे ज्यादा वाइटल पार्ट क्वालिफाइड लोगों के लिए जो जॉब सर्च के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं, डिग्री अटेस्टेशन है। तो पाकिस्तान से डिग्री अटेस्ट करवा के कहाँ कहाँ से लानी है और यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको गाइड करता चलूँ। सबसे पहले आपका डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है HEC से। HEC वालों ने एक पोर्टल बनाया है, उस पर आप जाते हैं, अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। 2 मेथड है, एक है कोरियर वाला और एक मेथड है कि आप अर्जेंट अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाते हैं। कोरियर वाले मेथड में आपको वो 40 डेज का टाइम देते हैं मैक्सिमम, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं कोरियर कंपनी को, और वो अटेस्टेशन के बाद 40 डेज के अंदर अंदर आपको 40 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको आपकी डिग्री अटेस्ट करवा के HEC से आपको दे जाए। सेकेंड थिंग इज, अगर आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो 3000 उसकी फीस है और 1000 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फीस है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा रहे हैं तो आपकी 4000 फीस होगी, अगर आप 2 डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा रहे हैं तो 5000 आपकी फीस होगी, और आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप अपॉइंटमेंट देंगे, उस दिन जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आप अपनी विंडो पे सबमिट करेंगे अपने टोकन पे, और आपको विद इन 2.5 और 3 आवर्स वो रिटर्न बैक मिल जाएंगे। बाकी मालूमात आपको HEC की वेबसाइट पे, ईच एंड एवरीथिंग, फी डिटेल, सारी चीज़ें आपको HEC की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ओके, सेकेंड थिंग, HEC से आपकी डिग्री अटेस्ट हो गई, आपने पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाने, और ये एक दिन का प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने वहाँ से जाके टिकट्स परचेज करनी, टिकट्स परचेज करके आपने क्यू में लगना है, फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आपने अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाने के लिए दे देना है विद इन 3 to 4 आवर्स। ये आपकी एक्सरसाइज होगी, यानी कि 6 to 7 आवर्स आपके टोटल दिन के लग जाएंगे। आप अगर सुबह अर्ली जाते हैं 8:38 तो आपको लाइन में लग के आपको आसानी होगी, अदरवाइज अगर आप लेट होते हैं तो क्यू बहुत लंबी हो जाती है। ये प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पाकिस्तान, यहाँ से एक दिन का प्रोसेस है, ठीक है। HEC का मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 डेज लग जाते हैं बेस्ड ऑन के कितने लोग क्यू में हैं और आपको कब अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डिग्री अटेस्ट हुई, आपने पाकिस्तानी कौंसुलेट UAE एम्बेसी से आपने डिग्री अटेस्ट करवा, पाकिस्तानी कौंसुलेट UAE इन पाकिस्तान, यानी कि UAE एम्बेसी इन पाकिस्तान, वहाँ से आपने अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी। वो किस तरीके से होगी? उसके भी 2 तरीके, या तो आप किसी प्राइवेट कंसल्टेंट को दें, वो आपसे $40 चार्ज करेंगे और मे भी अपनी फीस भी रखेंगे कुछ 2-3 हज़ार, जो भी एज द केस में भी। अदरवाइज आप साशा इंटरनेशनल जाएं, वहाँ पर जाके $41 आप पे करें,
विच ऑलमोस्ट लाइक आपके 12 to 13 thousand पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं, वो आप उनको दें डॉलर, और उसके बाद वो आपको विद इन वन डे आपको वो रिटर्न बैक कर देते हैं आपके लिए। तो डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 15 दिन का है। 15 दिन में आपकी सारी डिग्रीज अटेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप डिग्री अटेस्ट करवाई, आपने विजिट वीज़ा लिया, आप पाकिस्तान से आ गए दुबई। दुबई आप आ गए, दुबई में आपने आके क्या करना है कि दुबई में आपने आके मस्ट मस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से अटेस्ट करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। वो किस तरीके से होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई की वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, कोरियर आएगा, कोरियर आपसे आके आपके डॉक्यूमेंट लेगा। और दो मेथड्स हैं, वन मेथड है कि आपको विद इन 3 वर्किंग डेज वो अटेस्टेशन करवा के देंगे और 200 दिरहम्स आपसे चार्ज करेंगे। सेकेंड थिंग इज 300 दिरहम्स आपसे चार्ज करेंगे और विद इन वन डे यानी कि 6 to 7 आवर्स वो आपको डिग्री लेंगे और 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आपको वो डिग्री वापस कर जाएंगे। आप पे है, आपके पास अगर टाइम है तो आप 200 दिरहम्स पे करके इस कॉस्ट को बचा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 300 दिरहम पे करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से लाजमी होते। ये 4 अटेस्टेशन आपके पास आपके डॉक्यूमेंट पे होगी तो आपका वर्क वीजा एम्प्लॉयर प्रोसेस करेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्यूरी रेज होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट एचईसी पाकिस्तान, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, थर्ड यूएई एम्बेसी यूएई कॉन्सुलेट इन पाकिस्तान, फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन यूएई। ये 4 अटेस्टेशन होंगी तो आपका वीजा प्रोसेस होगा, कन्वर्ट होगा विजिट टू वर्क वीजा अगर आपकी जॉब यहाँ पे हो जाती है। फोर्थ थिंग, क्या एक्सपेंस आएगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या हिसाब किताब होगा, कहाँ रहेंगे, किस तरह होंगे, क्योंकि मैं अकेला आया था तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा परेशानी थी। मोस्टली लोग आते हैं, उनके दोस्त वगैरह होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं, या उनके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं तो वो उन्हें गाइड कर लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं। बट 3000 डॉलर जैसा कि 3000 दिरहम जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने लाने लाने, ठीक है, तो उस 3000 डॉलर में आप कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे अपना रूम, बेड स्पेस, पार्टीशन, आपने जो भी लेना है वो लें जहाँ से मेट्रो सबसे करीब हो या कोई बस स्टेशन लगता हो। उसकी वजह ये है कि आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट कम से कम पड़ेगी और आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो सबसे बड़ी वैल्यू है इस पूरे के पूरे जॉब हंट में, जो कि 2 महीने का आपका वीजा है। इसमें आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आप किसी भी करीब मेट्रो स्टेशन के आप ले सकते हैं अपनी जगह। आप अपने दोस्तों से पूछें, रिश्तेदारों से पूछें कि कहाँ पे चीप। वैसे मोस्टली ये होता है कि बेड स्पेस यहाँ पे जो ओल्ड दुबई वाला एरिया है, जैसे बर दुबई है, डेरा है, सतवा है, यहाँ पे 350 to 400 और 500 तक आपको बेड स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा अगर पार्टीशन पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो 600+ से स्टार्ट होके 1500 तक भी जाती है, बेस्ड ऑन कि आप किस लोकेशन पे और किस जगह पे आप रहो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आपका फूड एक्सपेंस है ऑलमोस्ट 300-350 फॉर द होल मंथ, आपका फूड एक्सपेंस हो जाएगा। यानी कि 1000 आप जहन में रखें कि 1000 आपका फूड एंड लिविंग एक्सपेंस फॉर वन मंथ लाजमी होगा। तो 2 महीने के लिए 2000 दिरहम आप जहन में रखें कि आपका लाजमी खर्चा होगा। 1000 दिरहम में से आप डिग्री अटेस्टेशन के पैसे रखें और बाकी आप अपने जो नॉल कार्ड होगा, नॉल कार्ड इज बेसिकली मेट्रो कार्ड, जो कि आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि उस कार्ड से आप यहाँ पे किसी भी बस, किसी भी मेट्रो से आप ट्रेवल कर सकते हैं। वो आपका 25 दिरहम्स का बनता है और उसमें आप लोड करवा सकते हैं, या अगर आप पूरे महीने का पैकेज लेना चाहते हैं तो वो 300 दिरहम्स का पूरे महीने का पैकेज होगा। तो 3000 दिरहम को आप इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा लाना चाहें तो इट्स अप टू यू। फिफ्थ थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप दुबई में आ गए, आपने एकोमोडेशन ले ली और आप जो है आपने जॉब सर्च शुरू कर दी। ठीक है, आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। सबसे पहले आपने करना क्या है, जॉब सर्च कैसे स्टार्ट करनी है। पाकिस्तान में जब आप हैं तो आपने पहले से ही पाकिस्तान में अप्लाई करना शुरू कर देना है, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना शुरू कर देने, मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देना है, अपने दोस्तों को यहाँ पे कहना शुरू कर देना है कि मेरे लिए जॉब देखो। आपने लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, आपने लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो रिक्वेस्टिंग मोड आपको अपना ऑन करना पड़ेगा, ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जॉब हासिल नहीं कर पाएंगे। इट्स ओके टू
टेल पीपल कि आई नीड अ जॉब, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप अच्छे लोगों से रीच आउट करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी एक्चुअल में हेल्प करेंगे लिंक्डइन के थ्रू, और ऑब्वियसली आपके दोस्त भी यहाँ पे होंगे, और आप ऑनलाइन भी अप्लाई करना शुरू कर दें पाकिस्तान से। यहाँ पे जब आप आए तो आप ये करें कि सुबह आप उठें, आप 9:30 9 AM आप उठ जाएं और आप अपने लैपटॉप पे स्टार्ट कर दें जॉब सर्च करना लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बनाएं, एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं जो कि मस्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आपकी लिंक्डइन आईडी भी चेक करते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है अपनी फर्स्ट जॉब में, जो कि मेरी एक ऑडिट फर्म में जॉब थी, मैं उस क्लाइंट पे ऑडिट कर रहा था, तो मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि क्लाइंट बाकायदा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के चेक करते हैं कि हाउ प्रोफेशनल यू आर, आपकी लिंक्डइन आईडी कैसी दिखती है, आप खुद कैसे दिखते हैं, कैसी प्रोफाइल पिक्चर है। तो आपने एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी ही बनानी है। सेकेंड थिंग जो कि सबसे अच्छा पोर्टल है, इंडीड अरब एमिरात्स, इंडीड AE इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू सर्च जॉब्स, bed.com नंबर सेकेंड, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ पोर्टल्स पे भी सर्च कर सकते हैं, बट बैड और इंडीड AE ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आपको वैलिड और ऑथेंटिक जॉब सर्च मिलती है। ठीक है, आप इस पे जॉब सर्च करें, आप सुबह उठें 9:30 तक आप अपनी जॉब सर्च स्टार्ट कर दें, कीप अप्लाइंग, आप अप्लाई करते जाएं, दिन में आप टारगेट बनाएं कि कम से कम भी आपने 20+ जॉब्स पे अप्लाई करना ही करना है, एक प्रोफेशनल CV बनाएं। मैं खुद भी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह प्रोफेशनल CV बनाने का आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करूंगा, जिस CV पे मुझे दो जॉब्स तो पक्की मिल गई थी, तीसरी जॉब में मेरा इंटरव्यू था CFO के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त जॉब पे था, इस वजह से वो मैं इंटरव्यू नहीं देने गया, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था और मेरा इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू था, मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था और मेरा CFO के साथ फाइनल इंटरव्यू था। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने CV कैसे बनानी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, टारगेट रखना है कि 15-20+ जॉब्स आपने अप्लाई करनी ही करनी है। पहले 15 डेज या 15-20 डेज आप देखें, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करें, आप अपनी पिच को मजबूत करें, आप 15-20 डेज आप कीप अप्लाइंग करते जाएं, UAE के माहौल को समझें, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या एम्प्लॉयर मांग रहे हैं, कितना बजट एम्प्लॉयर्स के पास है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हों। 15-20 डेज आपने ये टारगेट रखना है कि आपने UAE की मार्केट को समझना है, आपने अपने आप को मैक्सिमम यूज टू करना है UAE के लिए, इंफॉर्मेशन लेनी है हर तरह से कि ट्रैवल किस तरह करना है, कौन से एरिया में ज़्यादा जॉब्स हैं, कौन से एरिया में मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कौन सी इंडस्ट्री आपको सूट करती है, किस जगह पे ऑफिसेज ज़्यादा मिलेंगे, कैसे ट्रैवल करना है, ये चीज़ें आपने 15-20 डेज में कोशिश करनी है कि आप गैदर करें। अगर अल्लाह ना करे 15-20 डेज में आपको कोई ऑफर नहीं आती, फिर आपने दूसरा स्टेप लेना है कि आपने अपने CV के प्रिंट करवाने, और CV के प्रिंट करवा के आपने निकल जाना मुख्तलिफ एरियाज, बिजनेस बे है, अलकोज इंडस्ट्रियल एरिया है, और देर आर वेरियस प्लेसेस जहां पे आप अपनी जॉब की सर्च कर सकते हैं। शेख जैद रोड ऑब्वियसली हर तरह का ऑफिस है, हर इंडस्ट्री का ऑफिस है, आप निकलें, आप मेट्रो यूज़ करें, आप बस यूज़ करें और आप अपनी जॉब सर्च कंटिन्यू करें, कंपनी टू कंपनी जाएं, लोगों से रिक्वेस्ट करें, कोशिश करें कि ऑलमोस्ट 11:30 तक आप पहुंच जाएं और आप 1 o'clock तक अपनी ऑलमोस्ट 25-30 कंपनीज डोर टू डोर जाके आप CV ड्रॉप कर चुके हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। इसके बाद आपने ऑनलाइन को नहीं छोड़ना, ऑनलाइन आपने एक अपने पूरे दिन को डिवाइड करना, लाइक सुबह उठ के 9:30 से 10:30-11 बजे के करीब करीब जितनी भी फ्रेश जॉब आई है वो आपने अप्लाई कर देनी है। जैसे प्रीवियस डे में आपने अप्लाई की, आपको पता होगा ये जॉब मैं अप्लाई कर चुका हूँ, आपने इंडीड पे लास्ट 24 आवर्स का एक फिल्टर लगाना है जॉब सर्च में, वो आपको जितनी भी पास्ट 24 आवर्स की हैं वो आपको शो कर देगा, उसमें आपने लेटेस्ट जॉब में सारा कुछ अप्लाई कर देना है। लिंक्डइन पे भी आपने सर्च बार में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, रिक्वायरमेंट है और सप्लाई चेन है, एनीथिंग, आप वहाँ पे उसकी वर्ड को लिखें और आप लोकेशन में दुबई सेलेक्ट करें, तो वो आपको सारी दुबई की जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं
विद टाइम कि ये 1 वीक में पोस्ट हुई है, ये पास्ट 24 आवर्स में पोस्ट हुई है, ये लास्ट 5 डेज में, आप अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन आप फिल्टर भी कर सकते हैं, उसको फिल्टर आउट करें और आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर दें। देन आप निकलें आफ्टर 15 to 20 डेज, अगर आपको लग रहा है कि यार आप मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, आप निकलें अल्लाह का नाम लेके और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको डोर टू डोर से भी बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फर्दर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं विजिट वीजा पे, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और इसके अलावा कैसे आपने विजिट वीजा पे आके यहाँ पे लोगों से केयरफुल रहना है और अपने आप को कैसे सेव करके चलना है, ये भी बहुत अच्छी एक चीज होती है। अगर आप ये भी लर्न करें तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क से आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप से ऑब्वियसली किसी ना किसी किस्म का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, या आपको किसी ना किसी फ्रॉड में, फ्रॉड रिस्क ऑफ फ्रॉड भी होता है, और आपको किसी ना किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश करते हैं या परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने केयरफुल रह के चलना है यूएई मार्केट में। सो अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई मजीद इन्फॉर्मेशन भी इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि एवरी वीक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक वीडियो बना के आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी सक्सेस के लिए डालूं, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन सही तरीके से जॉब हासिल करना और अपने आप को इस मार्केट में मनवाना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं शेयर करूंगा और बाकी एक्सपीरियंस भी, तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।